दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के, जिसका साइज है 12x30। जी हाँ दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉल को डिजाइन कर रहा हूँ मैं। उन्होंने कमेंट किया था कि सर मुझे एक 12x30 का हाउस प्लान चाहिए, जिसमें आपको बेहतरीन सा रूम और लेटरिन बाथरूम व स्टेयर्स की व्यवस्था हो। तो उसी को देखते हुए इस मॉल को डिजाइन किया है मैंने। साइज ऑलरेडी बता दी इसका, मैंने 3 फ्लोर डिजाइन किया है, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो जो भी आपका फीडबैक हो हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारी पेड सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का भी यूज कर सकते हैं, जिसका नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर हमारा नंबर निकाल कर मुझे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपसे बात की जाएगी, आपकी प्रॉब्लम समझी जाएगी और आपका जो भी मॉडल होगा उसे क्रिएट किया जाएगा। इसके बाद आपको रेट वगैरह बता दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लें। अब चलो आज का जो मॉडल है 12x30 उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको ले चलूँगा मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों जिस मॉडल की हम बात कर रहे हैं तो वो ये मॉडल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका साइज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया, 12x30 फीट। बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन मैंने किया है और ये आपको प्रॉपर तरीके से घर का पूरा लुक मिलेगा। तो इसका सबसे पहले मैं ग्राउंड फ्लोर दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जूम करके का फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ, सामने से ये कैसे दिखने वाला है। अगर मैक्सिमम जूम करता हूँ तो ये देखिएगा, इसकी रेलिंग वगैरह आप देख पा रहे हो पास से बहुत ही आसानी से। और ये POP का काम जो आप देख रहे हैं, ये POP से बनती हैं चीज़ें, ये आपको पता होगा आप घर वगैरह बनाते हैं। और ये डोर है, विंडो है, ये मैक्सिमम जूम है दोस्तों। पास से आपको थोड़ा क्लियरिटी दिखती है, सारी चीज़ें मैं अब दिखा दूंगा। तो ये पूरा मॉडल है इसका। ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। तो चलो सबसे पहले हम सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर इसका डिस्कस करते हैं। तो इसका ग्राउंड फ्लोर पर आने के लिए ये देखिए आ गए हम ग्राउंड फ्लोर पर। इसको मैक्सिमम जूम करता हूँ मैं, पहले आपको थोड़ा पास से चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए इसका मेन डोर है, आप देख पा रहे होंगे ये डोर है। और इसके बाद ये आपका रोड सामने से स्टेयर्स, आप जैसे गेट से जाएंगे तो ये POP का काम, बीम सा जो बना है आपका। और इसके बाद आपको मिल जाता है ये पूरा घर। आप यहाँ से एंट्री करते हैं, एंट्री करने के साथ ही सबसे पहले आपको ये मिल जाती है स्टेयर्स, जो कि आपको अंदर से बाहर की जाएंगे और L टाइप में आकर मुड़ जाएंगी। उसी के जस्ट नीचे आपका लेटरिन, मैंने यहाँ पर कम्बाइंड लेटरिन बनाया है, बाथरूम दोस्तों सेपरेट रखा है। इसके बाद ये आपको एरिया थोड़ा सा मिल जाता है, यहाँ पर नल वगैरह आप मोटर वगैरह लगा सकते हैं। और ये मिलता है आपको आपका बाथरूम, ये बड़ा सा बाथरूम मिल गया कि इसका डोर मैंने यहाँ से दिया है। और जस्ट इसके बगल में आपको मिल जाता है किचन, ये किचन का एरिया है। और सबसे पीछे की बात करें तो पीछे आपको मिल जाता है बेडरूम, जो कि लगभग 10x12 फिट का है। और ये आपका उसका डोर है, हालांकि जगह बहुत ही कम है, 12x30 कम जगह होती है, इसलिए एक रूम आपका सेपरेट मैंने बाथरूम बनाया है और आपको किचन भी दिया है, साथ में लेटरिन यहाँ पर मैंने स्टेयर्स के नीचे दे दिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो इन दोनों लेटरिन और बाथरूम कंबाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर आपका स्पेस और बच जाएगा। फिर आपको स्टेयर्स थोड़ा अच्छे से जो मिस्त्री होता है वो डिज़ाइन करेगा, उसके नीचे आपको जो स्पेस होता है थोड़ा सा दिक्कत उठाना पड़ेगा, लेकिन बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो इसकी बात होगी। अब हम बात करते हैं इसका, तो ये था ग्राउंड फ्लोर या आप बीम वगैरह देख पा रहेंगे। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर जैसे आप आते हैं तो फ्रंट से ये आपका सबसे रेलिंग मिल जाता है, इस डोर के माध्यम से रेलिंग पर आप आ पाएंगे। और ये 2.5 से 3 फिट का रेलिंग है। और ये फ्रंट में एक मैंने डोर विंडो भी दिया है, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम ना हो। और ये डोर पहले से ही है। और ये ऊपर वाला बीम, और ये जो आपका एरिया था सेम टू सेम है, पीछे वही बेडरूम रहेगा, बस मैंने यहाँ से लेटरिन और बाथरूम वगैरह हटा दिया है, किचन वगैरह, और साथ सिर्फ स्टेयर्स आपको मिल जाता है। तो एक बड़ा सा हॉल टाइप को मिल जाता है अगर आप चाहें तो। यहाँ पर एक आप 8 फिट का बेडरूम भी क्रिएट कर सकते हैं लगभग, क्योंकि 12 फिट टोटल है। तो 8 फिट का अगर चौड़ा का आप एक यहां पर रूम भी क्रिएट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, हालांकि मैंने तो क्रिएट नहीं किया है। तो ये तो हो गया इसका ग्राउंड फ्लोर। अब बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो लास्ट फ्लोर पर कुछ भी डिजाइन नहीं किया, चारों तरफ बाउंड्री है और ये रेलिंग बना दी है। और ये जो स्टेयर्स थी उसको ढकने के लिए गुमटी बना दी है, जिसमें बरसात में आपका पानी वगैरह ना जाए। तो ये पूरा 12x30 फिट का जो मैंने हाउस प्लान आपको डिस्कस किया था, कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका जो जो भी रिकमेंडेशन वगैरह हो आप हमें कमेंट करके कॉन्टैक्ट करते रहें। तो ये दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है इस वीडियो के विषय में, इस मॉडल के विषय में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप कोई रिकमेंडेशन है, आप कोई रिकमेंडेड वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। यदि आप हमारी पेड सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें, आपको सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। तो ये आपको सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।